हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सर क्लासेस फॉर बायोलॉजी। टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड the sexual cycle in animals, which was two types, menstrual cycle and estrous cycle. Today we will discuss about the events in sexual reproduction. तो इस चैप्टर में हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश कर लिए हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें कितने फेजेस होते हैं, ये हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो कितने स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स में वो कंप्लीट होता है, तो मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसी सीक्वेंस में फॉलो भी करता है। प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये जो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन को बेस बना के इसको डिफरेंशिएट किया गया इवेंट्स को, कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो इवेंट होगा उसको प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम तीनों में बेसिकली क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इजिली एनालाइज करने के लिए हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ताकि उसको प्रॉपरली हम एनालाइज कर सकें या इवेल्युएट कर सकें। तो इसमें थ्री इवेंट्स हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होते हैं, वो सारे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। और फर्टिलाइजिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो उस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जितने भी इवेंट्स आएंगे वो सारे किसमें होंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें दो स्टेप्स आते हैं, दो स्टेजेस आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, तो सबसे पहले तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट्स जो है वो अपोजिट पार्टनर्स में डेवलप कर रहा है। तो उन गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूजन भी जरूरी है। तो फ्यूजन तो तब होगा जब गैमेट्स एक दूसरे के पास आएंगे, तो उस पास आने के लिए उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो ट्रांसफर नहीं हुआ गैमेट, क्योंकि दोनों गैमेट जो है वो अलग अलग बॉडी में फॉर्म कर रहा है, तो वो जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट नहीं आएंगे तब तक उनका फ्यूजन नहीं होगा, और उसके लिए उनका ट्रांसफर होना जरूरी है। तो ये दो स्टेप्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स।
तो गैमेट्स आइदर मेल और फीमेल गैमेट, तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटो वर्ड जो है वो गैमेटो मीन्स गैमेट्स मीन्स सेक्स सेल्स, और जेनेसिस का मतलब ही होता है सिंथेसिस बनना, तो इसीलिए इसको बोला था गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये डिप्लॉयड भी हो रहा है, और उनकी डिप्लॉयडी को मेंटेन करने के लिए हर जनरेशन में ताकि वो कंजर्व रहे, उनके डिप्लॉयड कंडीशन चेंज ना करे, इसीलिए फ्यूजन से पहले गैमेट्स क्या हो जाते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, ताकि फ्यूजन के बाद फिर से वो डिप्लॉयड कंडीशन को रिकवर या रीस्टोर कर सके। तो इसीलिए गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि इनके फ्यूजन से अगला जनरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो चूंकि दो गैमेट्स मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से हो रहा है, तो अगर जब दोनों हैप्लॉयड होंगे तभी फ्यूज करने के बाद ये डिप्लॉयड होंगे, अगर ये हैप्लॉयड नहीं हुए और डिप्लॉयड हो गया जाके फ्यूज कर गए तब ये टेट्रापोलॉयड हो जाएंगे, 4n हो जाएगा 2n से। तो हर जनरेशन पे जो कोलाइडी है ये कंडीशन जो है वो चेंज करता चला जाएगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए फ्यूजन से पहले जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, मींस एन होते हैं। तो ये गैमेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, और दूसरे हेटरोगैमेट्स। तो होमो मींस सेम, जब गैमेट्स सेम हो मतलब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, जैसे एल्गी, तो एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं मेल फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर चूंकि दोनों गैमेट्स के होमो गैमेट्स तो उसको आइसोगैमेट बोलते हैं, और दूसरा टाइप क्या है, हेटरो गैमेट्स, हेटरो मतलब डिफरेंट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या हो, डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट अलग होते हैं। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं, प्लांट के केस में एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं मेल गैमेट्स को, और ह्यूमन बींग केस में क्या बोलते हैं, स्पर्म। फीमेल गैमेट्स में क्या बोलते हैं, एग या ओवम। तो ये हेटरोगैमेट्स, ये देखिए तो ये एग या ओवम है और वो स्पर्म सेल है, तो जो एग और ओवम होता है एज कंपेयर टू स्पर्म सेल बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब इसी में आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है, ये देखिए बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो बाय मींस दो, मींस ऑर्गेनिज्म विथ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं मतलब मेल भी और फीमेल भी, तो क्या होता है बायसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म में या तो मेल हो केवल या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, दोनों एक ही बॉडी में ना प्रेजेंट हो, तो एक बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक या मेल या फीमेल, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल जब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों हो, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो। इसी तरह होमोथैलिक या मोनोशियस बोलते हैं, तो बायसेक्सुअल कंडीशन सेवरल प्लांट एंड फंजाई उसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस, क्योंकि एक ही में क्या है दोनों मेल फीमेल दोनों मौजूद है प्रेजेंट है, तो बायसेक्सुअल कंडीशन सेवरल प्लांट एंड फंजाई क्या बोलते हैं, होमोथैलिक या मोनोशियस। कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स ये मोनोशियस प्लांट होते हैं, और हेटरोथैलिक या डायोशियस मींस अलग अलग प्लांट में अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, एक प्लांट में या तो मेल या फीमेल, दूसरे वाले में या तो मेल या फीमेल, एक ही प्लांट में दोनों नहीं पाए जा रहे हैं, जैसे पपाया पपीते में यही होता है, जो फ्लावर उसमें खिलते हैं लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होता है तो वो क्या था, सिर्फ मेल फ्लावर था, लेकिन फीमेल फ्लावर जो होते हैं उसमें फ्रूट का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कहीं और से पॉलन ग्रेन्स आते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं और इससे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये डायोशियस है, डायोशियस मतलब कि एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होना या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंट होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। या हेटरोथैलिक मतलब डिफरेंट
थैलस में प्रेजेंट होना, एक थैलस में मेल एक दूसरे थैलस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पाया जाना, ये फंजाई केस में होता है। तो ये प्लांट हो गया पपाया और डेट पाम, ये डायोशियस प्लांट है, और मोनोशियस में कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। इसी तरह अगर फ्लावर में सिर्फ मेल फ्लावर जो है सिर्फ उसमें स्टैमिन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट। और अगर सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट। तो सिर्फ स्टैमिन अगर प्रेजेंट है उस फ्लावर में तो स्टैमिन मतलब मेल स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टैमिन। और पिस्टिलेट में सिर्फ उसमें पिस्टिल प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे उस फ्लावर को, पिस्टिलेट। इसी तरह एनिमल्स में बायसेक्सुअल एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। जैसे मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। जैसे अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट। क्यों? क्योंकि इनकी एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। तो अब गैमेट फॉर्मेशन पढ़ना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो डिप्लॉयड कंडीशंस हो रहा है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनने के लिए क्या होगा, मियोसिस। आप ये क्लास 11th में आप लोग माइटोसिस मियोसिस पढ़े होंगे कि माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो उसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है। तो इसीलिए गैमेट फॉर्मेशन में उसको भी हैप्लॉयड करना होता है, इसलिए इसमें मियोसिस होता है। तो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड कुछ लोअर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं जैसे मोनरा हो गया, फंजाई, एल्गी या ब्रायोफाइट्स, तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड। तो पूरी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉयड होती है, तो वहां पे जब प्रोड्यूस होगा तो वहां माइटोसिस होगा, माइटोसिस से एंड प्रोड्यूस होंगे और वही फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, फिर नया प्लांट बॉडी ग्रो होगा। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ये लोग क्या है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड है तो इनमें पहले क्या होगा, गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस होगा, लेकिन जब हैप्लॉयड है तो उसमें मियोसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस से ये एंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन डिप्लॉयड वाले में क्या हो रहा है, मियोसिस, क्योंकि उनकी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड टू एन है और उनसे हमें गैमेट बनाना है, मतलब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें क्या होगा, मियोसिस। तो जिसमें मियोसिस होता है, जिस तरह से मियोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स, याद रखिएगा। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है उसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल, और उसको पर्टिकुलर टर्म दिया था, क्या बोला जाता है, मियोसाइट्स, क्योंकि इसमें मियोसिस होता है, तो गैमेट मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू गिव राइज टू गैमेट, ताकि वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके, तो उसको मियोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा मियोसाइट्स जो होते हैं वो गैमेट मदर सेल होते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉयड बॉडी के होते हैं तो डिप्लॉयड होता है, और चूंकि हमें गैमेट बनाना है उसको हैप्लॉयड कंडीशन में करना है, इसीलिए उसमें क्या होगा, मियोसिस। तो जिस गैमेट मदर सेल में मियोसिस होता है ताकि वो गैमेट्स बना सके, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स। तो ये गैमेटोजेनेसिस खत्म हो गया, अब अगला जो है वो गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट में तो फॉर्मेशन हो गया, अब इसका ट्रांसफर करना है, तो उनके फ्यूजन के लिए गैमेट्स को ट्रांसफर होना जरूरी है, नीड टू बी ट्रांसफर। तो मोस्ट ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स आर मोटाइल व्हाइल द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। तो
फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब अनेबल टू मूव, तो मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, उसे फ्लैजिला होता है, वो मूव करते हुए चला आता है, लेकिन उसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ताकि उसका मूवमेंट हो सके। तो मेल गैमेट्स को मीडियम चाहिए ताकि वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास पहुंच सके। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स डू नॉट मेक इट टू द फीमेल गैमेट एंड हेंस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू ओवरकम दिस लॉस। तो चूंकि मेल गैमेट्स को मूव करना है, फीमेल गैमेट के पास जाना है, और ये लक बाय चांस वाली बात है कि पहुंचा कि ना पहुंचा, इसीलिए मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए बात है, लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स डू नॉट मेक इट टू द फीमेल गैमेट एंड हेंस सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू ओवरकम दिस लॉस। एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स कैरीज द मेल गैमेट्स एंड द ओव्यूल कैरीज द फीमेल गैमेट। एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होता है और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट। तो ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स कहां प्रोड्यूस होता है, एंथर। एंथर जो भी पार्ट होता है स्टैमेन का, स्टैमेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और उसका फिलामेंट। तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉलन ग्रेन्स एंथर प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो दिस इज इजी इन मोनोशियस प्लांट्स। मोनोशियस प्लांट्स में इजी होता है, क्यों? क्योंकि मोनोशियस में क्या होता है कि एक ही प्लांट में क्या है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको बहुत दूर डिस्टेंस कवर नहीं करना होता है, इसलिए उसमें इजी होता है ट्रांसफरिंग का। एज बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा इज प्रेजेंट क्लोज बाय इंडाइसियस प्लांट इट टेक्स प्लेस बाय पॉलिनेशन। लेकिन जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, मतलब जिन प्लांट्स में अलग अलग मेल फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, उसमें कैसे होता है, पॉलिनेशन से होता है। तो अब अगला जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी बोलते हैं, मतलब ट्रू फ्यूजन जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, या फिर सिंगैमी कहते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जायगोट। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो जायगोट होता है, और वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2N होता है। तो ये सिंगैमी का प्रोडक्ट होता है या रिजल्ट होता है। तो और जायगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल। याद रखिएगा, जायगोट जो बनता है वो यूनिसेलुलर होता है लेकिन डिप्लॉयड होता है। एक और टर्म आता है पार्थिनोजेनेसिस, तो ये स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मेल गैमेट के द्वारा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो डेवलप कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हनी बीज, रोटिफर्स, टर्की। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जिनमें फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइज हुए ही नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो फिनोमिनन है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा, पार्थिनोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइज हुए न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, जिसका एग्जांपल हनी बीज, रोटिफर्स एंड टर्की। अभी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स बॉडी के बाहर जब हो फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी अकरिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी, फिश और एम्फीबियंस में, तो उनके बॉडी के बाहर और वाटर बॉडी में होता है।
मेल फीमेल गैमेट दोनों में रिलीज करते हैं और जाके वो फिर फ्यूज करता है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि दे आर प्रोन टू अटैक बाय प्रीडेटर्स, तो वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, काफी प्रोन होते हैं अटैकिंग के लिए, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि उसकी रिकवरी की जा सके। दूसरा टाइप क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर, सिंगैमी अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो बॉडी के अंदर होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। इन दिस प्रोसेस द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड रीचेस द फीमेल गैमेट टू फ्यूज विद इट। और इस केस में क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, तो फीमेल गैमेट पहुंचता है और उसके साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद जायगोट बनाता है। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, देखिए मेल गैमेट्स होते हैं इसीलिए लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। अब अगला जो इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या हो, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, सबसे पहले जायगोट, तो भाई फर्टिलाइजेशन चुकी हो गया तब क्या बनेगा, जायगोट। तो जायगोट क्या है, डिप्लॉयड। जायगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में द जायगोट इज फॉर्म्ड इन एन एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जायगोट इज फॉर्म्ड एट द इंडिविजुअल। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस में जायगोट का फॉर्मेशन कहां होता है, इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग्स। भाई जायगोट का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है किस पर, एक तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है और किस सराउंडिंग, किस एनवायरमेंट में हो रहा है, तो दोनों चीजें ही उसको डिसाइड करेंगे, उसके डेवलपमेंट को डिसाइड करेंगे, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो। इन सम ऑर्गेनिज्म द जायगोट डज नॉट डेवलप इमीडिएटली एंड डेवलप्स अ थिक वॉल अराउंड इटसेल्फ, दिस वॉल इज रेजिस्टेंट टू डैमेज एंड डेसिकेशन। कुछ केसेस में जायगोट तुरंत डेवलप नहीं कर पाता है और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग वॉल आ जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो डैमेज ना हो तब तक सेफ रहे। और ये जायगोट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक होता है जो कि इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जो पहले से ऑर्गेनिज्म है और जो आने वाला फ्यूचर है उनके बीच क्या होता है, ये कड़ी या लिंक होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती रहेगी एक जनरेशन से अगले जनरेशन। अगला जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इम्ब्रियो जेनेसिस। तो इम्ब्रियो का बनना, जेनेसिस मतलब क्या, सिंथेसिस, फॉर्मेशन, और इम्ब्रियो मींस जब जायगोट से, यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं इम्ब्रियो। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो जायगोट से इम्ब्रियो बनने को क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो जेनेसिस। तो अब जो होगा जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए, तभी ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो अभी माइटोसिस होगा और उसके बाद सेलुलर डिफरेंशिएशन होगा, फिर वो डिफरेंशिएट करेंगे वो सेल्स और आगे वो डेवलप करेंगे। बेस्ड ऑन द लोकेशन और डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखिए, अब जायगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस जगह हो रहा है, उस पे बेस्ड क्या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, जैसे ओवीपैरस। तो ओवीपैरस क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है, ये हार्ड कैरियर शेल कवर द फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग्स को चारों तरफ से एक हार्ड कैरियर शेल कवर कर लेता है। द यंग वंस हैच आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। और उसके बाद क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वंस उससे हैच, उस अंडे को फोड़ के बाहर निकलते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो इंक्यूबेशन का मतलब क्या, जब जितने भी एप्स हैं मतलब बर्ड्स वगैरह हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो जब एक दे देते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर से, उसको ट्रीट कराते हैं। और उस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, अंदर जो होता है डेवलपमेंट होता है,
यंग वंस में, और फिर वो अंडे को फोड़ के बाहर निकलते हैं। तो ये एग लेइंग एनिमल्स ओविपेरस कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है विविपेरस। जब एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को सीधे बर्थ करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग या जितने भी मैमल्स हैं वो सब क्या होते हैं, यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू अ यंग वन टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म आफ्टर अटेनिंग अ सेंट्रल सॉरी सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। और कुछ समय के बाद जब ग्रोथ हो जाता है एक स्टेज पे आके, वो यंग वंस क्या होते हैं, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। जो एनिमल्स यंग वंस देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीवी पैरस। और जो एगले करते हैं मतलब जो अंडे देते हैं वो हम ओवी पैरस बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट केस में जायगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। इसके बाद जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, उस पर क्या क्या चीजें होती हैं। पिस्टिल रिमेन इंटैक्ट टू द प्लांट। पिस्टिल जो होता है वो प्लांट से तो अटैच रहता है। सेपल्स पेटल्स स्टैमेंस विथर एंड फॉल ऑफ, ये सूख जाते हैं मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। सेपल्स पेटल्स एंड स्टैमेंस जो मेल पार्ट होता है वो भी सूख गिर जाता है। जायगोट बन जाता है एम्ब्रियो, और फिर ओव्यूल बन जाता है सीड, और ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। उसके बाद सीड सीड जो होता है वो जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है उसको, तो वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था पहला चैप्टर जो कि आज फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।